सेटिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि हम लोग उस पर लगातार नजर रख रहे हैं। अभी जो पिछले घंटे का जो हम लोग डिस्चार्ज देखे थे वो लगभग 5 लाख के आसपास क्यूसेक हो गया है, और जो कि पिछले साल का जितना पहुंचा था मैक्सिमम उससे थोड़ा ज्यादा है। तो हमारी पूरी टीम अभी मधेपुर पहुंच चुकी है सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर, और जो जो पंचायतें उसी बांध के अंदर है, जो लो लाइन गांव है उनसे लोगों को इवैक्यूएट कराने के लिए लोग नाव प्रारंभ कर दिए हैं, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं उसको खाली करके ऊंचे स्थल पर, जो शरण स्थल है वहां पे लोग आ जाए। आप लोगों के माध्यम से अपील करेंगे कि जो ऐसे प्रभावित होने वाले गांव हैं वहां के लोगों से अपील है कि लोग नीचे शरण स्थल पे आ जाएं, और वहां पर उनको रखने के लिए सारी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा हम लोग कमला और उतही दोनों रिवर पे भी नजर रखे हुए हैं। इसके कैचमेंट एरिया में नेपाल में बारिश अभी कम हुई है पिछले 6 घंटे में, तो जो कमला में जो पानी बढ़ने का दर था वो काफी कम हो गया है। हालांकि 68 मीटर पार हो गया, डेंजर लेवल से ज्यादा है, लेकिन लग रहा है अगले 1-2 घंटे में स्टैटिक हो जाएगा। लेकिन बांध की लगातार सारे प्रशासनिक अधिकारी और सारे हमारे इंजीनियर फ्लड कंट्रोल की निगरानी रख रहे हैं, कहीं से भी कोई रेन का कोई सप्ताह आता है तुरंत हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं। पूरी तरीके से हम अलर्ट है, बस लॉकडाउन के माध्यम से लोगों से ये अपील करेंगे कि जो कोसी के अंदर के गाँव के लोग हैं नीचे थोड़ा वो लोग ऊंचे स्थल पे शरण स्थल पे आ जाए, और प्रशासनिक अधिकारी जो नाव के साथ व्यवस्था कराए हुए उसका लाभ लेते हुए शरण स्थल पे आ जाए ताकि सुरक्षित रहे। अगर पानी नहीं भी बढ़ेगा तो हमेशा एहतियात जो है हमेशा बढ़िया ही होती है, एहतियात के तौर पर आप लोगों के माध्यम से।